बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने बुकिंग चैनल में खुशा मदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में चिकन स्पाइसी हॉट विंग की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि चिकन स्पाइसी हॉट विंग्स को किस तरह से बनाएंगे और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने चिकन विंग्स लिए हैं। ये हाफ के जी के करीब हमारे पास चिकन विंग्स हैं। इसके साथ मैंने हाफ कप जो है वो दही ली है, लीमू का जूस, आप अपने मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च हाफ चम्मच, 1/4 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून हमने सुर्ख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है, आधा चम्मच मैंने नमक लिया, आपने हस्बे जरूरत इस्तेमाल करना है, 1/4 टेबल स्पून हमने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसके साथ हम 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस लेंगे और 1 टेबल स्पून जो है हम चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज की जो रेसिपी है इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। विंग्स को मैं अभी कर दूंगी साइड पे। सबसे पहले हम दही लेंगे, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बीट मैंने कर लिया। अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इनको मैं अच्छे से करूंगी मिक्स। अब एक चम्मच के करीब जो है हमने इसके अंदर सोया सॉस ऐड करनी है, एक चम्मच जो है हम चिली सॉस। करते हैं इनको अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालूंगी इसके अंदर विंग्स, इसको करेंगे साइड पर। लेमन जूस ऐड करना है, ये मैंने इसको काट के रख लिया है। अब हम इसके अंदर लेमन डालेंगे। अब इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने इनको अच्छे से जो है मैरिनेट कर लिया है। अब हम इसको अच्छे रिजल्ट के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके फ्रीजर में रख देंगे और फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको पूरी रात के लिए जो है वो मैरिनेट करके छोड़ दिया था। और आप ये अब आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे। पकाने के लिए करना क्या है चलिए वो देखते हैं। पकाने के लिए व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने एक तवा लिया है, आप चाहें तो इस नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन आज के जो हमारे विंग्स हैं वो तवे पर हम लोग बनाएंगे। तो चलिए अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल जो है वो डालना है, नियर टू 1 टेबल स्पून। स्टार्टिंग में हम सिर्फ हल्का सा डालेंगे ताकि ये स्टिकी ना हो, और बाद में हम इसको थोड़ा सा और ऐड करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, तकरीबन हमने एक बड़ा खाने का जो चम्मच है वो ऑयल ले लिया है। अब हमने क्या करना है, एक एक करके हमने इसके अंदर ये जो विंग्स को मसाला लगाया है वो रखते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इसके अंदर जो है वो दही है, हमने दही के अंदर ये मसाला लगाया था, तो उसके पानी की वजह से इसमें से ये छींटे निकल रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। बस बहुत ही एहतियात के साथ आपने इनको सेट कर लेना तवे पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह से आपने इसको तवे पर जो है वो रख लेना है। अब ये जो इसका दही बचा हुआ है वो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह करके ऐड कर रही हूँ ताकि जो इसका नमक मिर्च है वो और अच्छे से इसमें आ जाए इसका टेस्ट। दही हमने इसलिए ऐड किया ताकि नमक मिर्च का जो जायका है वो मज़ीद इसमें आ जाए। अब हम इसको ढाँक कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसके अंदर आधा कप के करीब जो है हम पानी शामिल करेंगे ताकि जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। वैसे तो ये मैरिनेट हुआ हुआ ये 5 से 7 मिनट में अच्छा खासा ये गल जाता है, लेकिन स्टिल मैंने क्या किया इसको थोड़ा सा पानी डालकर अपने विंग्स को जो है वो पकाना है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी पका सकते हैं और आप चाहें तो इसको ढाँक कर ढक्कन देकर भी पका सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर प्लेट दे दूंगी और आंच को जो है वो मैंने मीडियम रखा है ताकि ये अच्छे से हमारे जो विंग्स हैं वो पक कर तैयार हो जाएं। अब जब तक इसका पानी खुश्क होता है तब तक हम इसको पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमने इसको हल्का हल्का भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमने ऑयल जो है वो बाद में बिल्कुल नहीं डाला, उसी हल्के घी में हम इसको पकाएंगे। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आंच जो है अभी तक मैंने हल्की रखी हुई है। ये मैं मसाला जो अभी हमने इसमें से स्क्रैच किया वो दोबारा इसमें डाल रही हूँ और नमक मिर्च बहुत ही अच्छे से इसका आ गया है और ये बहुत ही यम्मी है। हर चीज इसमें परफेक्ट टेस्ट दे रही है अपना, स्पेशली जो लेमन है उसने तो कमाल ही कर दिया। चलिए व्यूअर्स, हमारे जो विंग्स हैं ये पककर तैयार हो चुके हैं। इसको हम ऐसे ही गरम गरम जो है वो रोटी के साथ सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो विंग्स हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं। इसको हमने डिश आउट कर लिया है और अब हम इसको हरे धनिया के साथ जो है मैं इसको गार्निश करूंगी। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसे लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।